तो चलिए इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने एक गैस पे पैन गर्म होने के लिए रखा है, उसमें हमने हाफ ग्लास पानी ऐड किया है। पानी को हम पहले अच्छे से गर्म होने देते हैं, उसके बाद हम इसमें करीबन आधी छोटी चम्मच से थोड़ा ही कम नमक ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ही नमक जाता है इसमें, और पानी को फिर से हमें अच्छे से गर्म होने देना है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक कटोरी भर की सूजी यानी कि रवा लिया है, महीन या मोटी किसी भी तरीके का सूजी आप ले सकते हैं, और इन सब को हमें अच्छे से मिक्स करते जाना है ताकि इसमें एक भी गांठें ना पड़े, और गैस का फ्लेम मीडियम रखें और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लें ताकि सब अच्छे से मिक्स हो जाए और आपस में एक दूसरे के साथ बांड हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से ये मिक्स हो चुके हैं। तो इन्हें हमें करीबन 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ना है। तो 10 मिनट के बाद ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज का उबला हुआ आलू लिया है। उबले हुए आलू को हमें अच्छे से ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है ताकि आलू में जब हम सूजी के साथ मिक्स कर रहे हों एक भी गांठें ना पड़े। तो इन सब को हम अच्छे से ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक ऐड कर रहे हैं, ध्यान रहे कि सूजी में भी हमने ऑलरेडी नमक ऐड किया था, और इन सब का हम अच्छा से एक डो तैयार कर रहे हैं। हम बच्चों के लिए बना रहे हैं इसलिए कुछ भी मसाले ऐड नहीं करेंगे। अगर आप बच्चों के लिए ना बना रहे हो तो इसमें कुछ मसाले ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा सीज़लिंग्स और अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं आप, और रेड चिली फ्लेक्स। उसके बाद इसका अच्छा सा एक डो तैयार कर लें। आप देख सकते हैं डो कितने अच्छे से बन के तैयार हुआ है और हाथों में भी चिपक नहीं रहा है। तो इसलिए पानी की क्वांटिटी और सूजी की क्वांटिटी आप बिल्कुल सेम रखें तो आपका डो बिल्कुल बन के तैयार होगा। और यहाँ पे हमने एक चॉपिंग बोर्ड लिया है, उसके नीचे सबसे पहले हम तेल से ग्रीस कर लेंगे और डो को अच्छे से हमें एक सर्कल सा शेप दे देना है। आप किसी भी तरीके का स्क्वायर शेप भी दे सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये हमारा सर्कल बनके तैयार हो रहा है, बिल्कुल रोटी की तरह से हम आसानी से बेल पा रहे हैं। तो बस ये बहुत अच्छे से बेल गया है, तो इसके सारे किनारों को हम काट के निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट बना है ये, इसमें एक भी गांठें नहीं दिख रही हैं। तो इसके किनारों को काट के अब हम हटा लेते हैं, इसको हम स्क्वायर शेप दे देंगे ताकि बनने के बाद बिल्कुल ये फ्रेंच फ्राई की तरह दिखे। तो बिल्कुल फ्रेंच फ्राई का आकार देते हुए इसे हम काटते जाएंगे। काटते वक्त चाकू को ये थोड़ा चिपक रही है तो हम चाकू पे तेल ग्रीस कर लेंगे तो बिल्कुल भी चाकू को चिपकेगी नहीं। आप देख सकते हैं कितना इजी वे में ये कट चुका है और एक एक शेप इसका बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब देख सकते हैं कितना परफेक्ट शेप मिला है, बिल्कुल फ्रेंच फ्राई की तरह। तो कढ़ाई अच्छे से गर्म होने के लिए दूसरी तरफ गैस पे हमने रख दिया था। कढ़ाई हमें बिल्कुल हाई फ्लेम पे और अच्छा गर्म चाहिए, और एक एक करके सभी फ्राइज़ को हम ऐड कर देंगे और 5 से 7 मिनट का टाइम देके गैस के मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही इन सब को हमें तलना है। लो फ्लेम पे बिल्कुल ना तले, नहीं तो हो सकता है कि ये टूट जाए। तो ये देखिए फ्राइज़ बिल्कुल बन के तैयार है, बहुत ही यमी और डिलीशियस और बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बनते हैं ये, बच्चे तो बहुत ही पसंद करेंगे। साथ में हम इसमें सूजी भी ऐड कर रहे हैं तो बच्चों का पेट भी इससे भर जाएगा। बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी ये रेसिपी काफ़ी पसंद आती है, तो श्योरली ये रेसिपी आप लोगों को भी काफ़ी पसंद आने वाली है। तो बाकी का भी हम तैयार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बनके ये तैयार है, लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसे। तो चलिए इसके साथ खाने के लिए हम चटनी तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हमने मेयोनीज लिया है, वेज मेयोनीज, वो करीबन हमने 1.5 चम्मच लिया है, और सेम इसी क्वांटिटी में हम यहाँ पे टोमेटो केचप लेंगे। तो 1.5 चम्मच मेयोनीज और सेम क्वांटिटी में यहाँ पे हम 1.5 चम्मच टोमेटो केचप लेंगे, और इन सब को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही टेस्टी सी चटनी बनके तैयार होती है ये, फ्रेंच फ्राई या किसी के साथ, पकौड़े भजिए के साथ आप सर्व करें, सभी लोग बहुत पसंद करेंगे।
तो चलिए साथ में हम फ्रेंच फ्राई को भी सर्व कर लेते हैं। आई होप मेरी रेसिपी आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।